DHS Sufa University, क्योंकि हमने सोचा कि बहुत सारे ऑडियंस से हमें मैसेजेस आते थे और आज के प्रोग्राम का जो खास तौर पे टॉपिक है, आई थॉट इट्स बेस्ट दैट आई गो टू अ सिस्टम जहां पे बहुत सारे यंगस्टर्स मौजूद हो, क्योंकि ये टॉपिक वो है जो आप में से बहुत सारे नौजवानों ने हमसे पूछा. बहुत बार मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक सवाल आता है. क्या एक सवाल है जो सारी यूथ को पूछना होता है आजकल? Where is it that we're headed? हम कहाँ जा रहे हैं? कैसे पता कराएं कि हमारा real passion कहाँ लाए करता है? What is our reason? How many of you get this question in your head couple of times a day? कितने लोगों के जहन में सवाल आता है, यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे, सही सिम्थ में है या नहीं है? ये सवाल वो सवाल है जो आई थिंक मेरे सोशल मीडिया पे कोई कितना, आई डोंट नो हाउ टू गिव अ नंबर, बट सबसे ज्यादा मिलने वाला सवाल. इसलिए वी थॉट कि आज के एपिसोड हम इस यूनिवर्सिटी में आके करें और आप लोगों से जान सकें, क्योंकि सवाल सवाल में छुपा है जवाब. लाइक वी ऑलवेज से, ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी हमारे शो के, जिस तरह से शो होता है, लेकिन आज थोड़ा मुख्तलिफ है. शो में हम इन नौजवानों को भी इन्वॉल्व करेंगे और जानेंगे कि दरअसल कोई ऐसा फॉर्म्यूला, क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो कि जिसके अंदर ये रास छुपा हुआ है कि हम कैसे पता करें. What is our reason? I don't know. Do you guys know of any formula? किसी को किसी formula का पता है कि अगर ये formula apply कर लें तो जवाब मिल जाएगा? है? Go with the flow. और क्या? ऊंचा ऊंचा जरा. ओके, सो सम ऑफ यू थिंक कि कोई फॉर्म्यूला नहीं है, कोई कह रहे हैं कि है, कोई कह रहे हैं लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो. किसी ने नाम सुना है एक शहर का, ओकिनोवा? समबडी सेड यस, हाथ उठाएं किसने सुना है. सर किधर है, किस मुल्क में है? ओकिनोवा जापान में. और ये क्यों मशहूर है यूएस ऑक्यूपेशन के अलावा? ये इसलिए मशहूर है क्योंकि ये वो वाहिद जगह है दुनिया की जिधर सबसे ज्यादा 100 साल के उम्र के लोग या उससे ज्यादा सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं पर कैपिटा. या इट इज फेमस फॉर दैट. और ना सिर्फ ये, कहा जाता है कि ये वो खत्ता है जहां पे लोग ना सिर्फ सबसे ज्यादा जिंदगियां जीते हैं बल्कि दे लिव हैप्पी एंड हेल्दी लाइव्स आल्सो. यहाँ पे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जरा तवील हो, अभी बहुत कुछ हासिल करना है, तवील भी हो, खुश व खुर्रम भी हो, वी वांट टू बी हैप्पी, वी वांट टू बी हेल्दी. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट? या यू गॉट टू से ओ यस. अगर आप कहते हैं कि हम वो हैं तो जरा चीख के मैं कहना है ओ यस. हाउ मेनी ऑफ यू वांट हैप्पी हेल्दी लाइव्स? ओ या, सो ऑल ऑफ यू वांट दैट, राइट? हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां खुश हो, हमारी जिंदगियां बहुत अच्छी हो. आपने कहा यूएस ऑक्यूपेशन की वजह से मशहूर है. ये खत्ता इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहां से कराटे निकला. कराटे का लफ्ज किसी को पता है कि उसका मानी क्या है? सो करा मींस एम्प्टी एंड टे मींस हैंड्स, यानी कि खाली हाथ. सो जब 1609 में जापानीज ने रुको आइलैंड्स के ऊपर अटैक किया था, तो उस वक्त जब वो जीत गए वो अटैक, उन्होंने लोगों से उनके तमाम आर्म्स और एम्यूनिशन ले लिया, तो वो लोग क्या रह गए? खाली हाथ रह गए. तो उसके बाद जब यूएस ऑक्यूपेशन हुई और अमेरिकन आए और उनके ऊपर हमला किया, तब तक इन लोगों ने ये सोच लिया था कि भाई हमसे आर्म्स और एम्यूनिशन तो ले लिए, हमसे वो तमाम चीजें तो ले लिए, हम खाली हाथ हैं. तब तक ये कराटे सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म बना तो चुके थे लेकिन इसको नाम नहीं दिया था. तो उन्होंने सोचा खाली हाथ हो गए हैं लेकिन इस सिस्टम से हम अपना दिफा करेंगे. जब अमेरिकन ने अटैक किया तो उन्होंने देखा वाओ व्हाट्स दिस कराटे, तो उन्होंने कहा ये चीज तो हमें भी सीखनी चाहिए. इसलिए उन्होंने वहां एक छोटी सी जगह से कराटे की चीज सीखी और उसके बाद कराटे किट बना और क्या कुछ बना और आज कराटे पूरी दुनिया में. सो ये खत्ता बहुत सारी चीजों की वजह से मशहूर है लेकिन प्राइमरीली हम आज इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? हम आज इसका जिक्र ये कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये लगता है और दुनिया के बहुत सारे लोगों को ये लगता है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, तहकीक की, कि इस खत्ते के लोगों के पास छुपा है राज. इस खत्ते के लोगों के पास वो राज छुपा है कि हम कैसे अपनी जिंदगियां ना सिर्फ लंबी करें बल्कि कैसे अपनी जिंदगियों के अंदर बहुत ज्यादा खुशी लेकर आए, अपनी जिंदगियों के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, अपनी जिंदगियों के अंदर बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेकर आए. मुमकिन भी है कि हमारे पास बहुत अच्छा हमारा करियर भी हो और हम बहुत सेटिस्फाइड भी हो और हम बहुत माइंडफुल भी हो. क्या यू थिंक इट्स पॉसिबल या पॉसिबल नहीं है? कोई एक चीज मिलेगी या सब मिल सकता है? सब मिल सकता है. मुझे लगता है ये वो जनरेशन है. हाउ मेनी ऑफ यू आर 18 टू 24? बिटवीन 18 टू 24?
ऑल ऑफ यू, सो यू, आपको दुनिया कहती है मिलेनियल्स, है ना, सुना है ना आपने ये लफ्ज़। और कहते हैं कि इन बच्चों का, इन नौजवानों का मसला ये है कि इनको सब चाहिए। ये कहते हैं मुझे ये भी चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी भी चाहिए, मुझे अच्छा बॉस भी चाहिए, मुझे एम्पावरमेंट भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे सुकून भी चाहिए, मुझे ट्रैवल भी करना है, मुझे दुनिया भी घूमनी है और मुझे सब कुछ चाहिए। दुनिया कहती है कि ये आपका मसला है, मुझे लगता है ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लगता कि मिलेनियल्स का ये मसला है, मुझे लगता है ये मिलेनियल्स की ताकत है कि इनको सब कुछ चाहिए। और ये वो लोग नहीं है जो इंतजार करेंगे जिंदगी के खत्म होने का, कि खुदा ना खास्ता अपने डेथ बेड पे कहें कि काश मैंने जिंदगी में ये किया होता। मुझे लगता है इन मिलेनियल्स की ताकत ये है कि इनको आज ही कहना है ये, और आज राइट एट द स्टार्ट ऑफ देयर करियर इनको कहना है कि हमें ये सब कुछ चाहिए। सो यू थिंक इट्स पॉसिबल, मिल जाएगा सब कुछ ग्रेजुएट करने के बाद, जब प्रोफेशनल जिंदगी शुरू होगी, मिलेगा सब या नहीं मिलेगा? नहीं, इस आवाज से तो लगता है नहीं मिलेगा। मिलेगा सब या नहीं मिलेगा? अभी भी नहीं लगता। मिलेगा सब या नहीं मिलेगा? जरा तालियों और आवाजों से बताएं कि आप लोग मौजूद हैं। सो That's the spirit. So, आज का शो बहुत ही मजेदार है। Stick around. अगर आप एक ऐसे जिंदगी के उस फेज से गुजर रहे हैं जहां आप ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, Where am I headed? और मुझे लगता है ये सवाल सिर्फ इन उम्रों में नहीं आता, बहुत सही बात की उम्र में भी आता है कि Where am I headed? हम कहां जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, What is my reason for being? यही सवाल की खोज बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आज हमें प्रोग्राम में मिले। हमें ज्वाइन किया है DHS सुफा यूनिवर्सिटी के बहुत ही चार होनहार तालिब इल्मों ने, आपकी उनसे भी मुलाकात कराते हैं। जैसे जैसे मैं नाम लूंगी आपने अपनी तालियों से इन्हें वेलकम करना। इन द शो वी हैव किंजा विद अस, वी हैव अब्दुल्ला, सारा और दानियाल। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। थ्रू आउट द प्रोग्राम ना सिर्फ मैं इन चारों से सवाल करूंगी बल्कि आप सब से भी बहुत सारे सवाल करूंगी। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से, आर यू रेडी, यू हैव योर पेन्स एंड पेपर रेडी? हाँ, मेरा पहला सवाल ये है कि दानियाल आपसे करती हूँ, जिंदगी में क्या चीज है दैट यू लव डूइंग? क्या काम है जिसको करने का बहुत मजा आता है? पता नहीं दानियाल बता सकेंगे टेलीविजन पे या नहीं लेकिन क्या काम है जिसको करने में बहुत मजा आता है? और आप सब भी जरा सोचें, आई एम गोना थ्रो दिस क्वेश्चन टू यू आल्सो, व्हाट इज इट दैट यू लव डूइंग इन लाइफ? कुछ भी, मैं करियर से रिलेटेड बात नहीं कर रही सिर्फ, क्या काम करने में दानियाल बहुत मजा आता है? वन थिंग व्हिच आई लव डूइंग इज फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, ओके। आई लव टू ट्रैवल, ठीक है, एंड आई मीन एंड थ्रू माय पिक्चर्स आई वांट टू शो कि किस तरह से, आई मीन वी कैन ब्रिंग अ चेंज थ्रू पिक्चर्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू शो फ्रॉम माय पिक्चर्स, दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू विद माय फोटोग्राफी। सो दानियाल कह रहे हैं कि ज्यादा शौक है ट्रैवल का, फोटोग्राफी का, और लगता है फोटोग्राफी के जरिए दुनिया बदल सकती है। अब्दुल्ला आपका क्या ख्याल है, क्या चीज, क्या काम है जो करने में बहुत मजा आता है, बहुत दिल लगता है? मैं नई चीजों के बारे में जानने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, नई चीजों के बारे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और वो चीजें खास तौर पे जो मुझे पर्सनली आई फाइंड इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो उनके बारे में व्हेन आई लर्न अबाउट देम, जैसे कार्स हो गया, बाकी लड़कों के जितने शौक होते हैं थिंग्स लाइक दैट, तो उनके बारे में जब मैं पढ़ता हूँ, व्हेन आई गेन नॉलेज अबाउट देम, आई फील वेरी गुड अबाउट, ठीक है, फैंटास्टिक। लेट्स हियर इट फ्रॉम यू गाइस, आप अगर हमें बताना चाहें, जिनके हाथ में माइक है, किनके हाथ में माइक, अच्छा माइक है और देख रहे हैं मुझे ऐसे ऐसे के क्या व्हाट्सएप सर, जरा खड़े होंगे सर, व्हाट इज इट, क्या है जिसको करने में बहुत मजा आता है? जब भी हम किसी की खिदमत करते हैं तो उसमें हमारी खुशी भी होती है, उनकी भी खुशी होती है, तो मैं लोगों की खिदमत करके उसमें खुशी ढूंढता हूँ। दूसरा सवाल, सो पहला सवाल क्या है कि आपको जिंदगी में क्या करने में बहुत ज्यादा मजा आता है? अगर आपके पास पेन पेपर है, अपने अपने नोट्स लिख लें, क्योंकि अगर आप ये चारों सवाल फॉलो करेंगे तो आप उस राज तक पहुंच जाएंगे, उस फॉर्मूला तक जहां हम जानना चाहते हैं। सो लेट्स थ्रो अ क्वेश्चन टू किंजा। किंजा, सो एक तो है कि मुझे क्या काम करने का बहुत ज्यादा शौक है, दूसरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है दुनिया को किस चीज की जरूरत है? What is it that the world needs? Now the world needs is कि हम लोगों से बातें करें, because society बहुत change हो गई है. Okay. We have seen कि how society is being developed. और उस वजह से लोग दूसरों से नहीं बात कर पाते, अपने कभी कभी अपने अंदर क्या है वो नहीं बोल पाते, एंड वी हैव सीन कि उसकी वजह से क्या इंसिडेंट्स होते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाता है, एंड वी आर यंग एट दिस एज, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हम बात करें अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से,
یا کسی کو دیکھتے ہیں ہی از ناٹ ہیپی اور سیڈ، کچھ بھی ہو ہمیں اسے شیئر کرنا چاہیے، بات کرنا چاہیے، دنیا کو بات چیت کی ضرورت. ایگزیکٹلی. وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ پیسے مل رہے ہیں اگر آپ جائیں اینڈ اف یو گیو ایچ ادر اے ہگ، گلے ملنے کے پیسے مل رہے ہیں؟ ہیو یو ہرڈ آف دیٹ؟ کیونکہ شاید، ہاں جی، کیونکہ شاید اتنا کم ہو گیا ہے، سب کے پاس وقت اتنا کم ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب سے ہمارے ٹیلی فونز کی تار ختم ہوئی ہے، وی تھاٹ کہ دنیا یو نو ہم ذرا فری ہو جائیں گے، ہم آزاد ہو جائیں گے، لیکن فون کی تار کٹنے سے ہم ذرا زیادہ بن گئے. سو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کو ذرا محبت، ذرا پیار اور ذرا گفتگو کی ضرورت ہے. سارا واٹ یو سے، کس چیز کی ضرورت ہے دنیا کو؟ بی اے سورس آف پازیٹیوٹیز فار سم ون. اوکے. اینڈ آپ جو ہے یو جسٹ آپ ان کو ایک فیئر آف رسک ٹیکنگ اور یہ سب چیزیں نا میک دیم اوور کم دیٹ. ٹھیک ہے. تو دیٹ وے آپ کسی کو یو جسٹ ہیلپنگ سم ون ان اے ویری پازیٹیو وے، بینگ پازیٹیو اراؤنڈ دیم، گیونگ دیم پازیٹیو وائبس، آل دیٹ سٹف. اوکے. سو آپ کو لگتا ہے دنیا کو پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے. یہاں سے کوئی ہمیں بتانا چاہے گا واٹ یو تھنک دا ورلڈ نیڈس؟ کس کے پاس مائک ہے؟ سر کھڑے ہو جائیں اگر. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اچھے کوڈرز کی ضرورت ہے. کوڈرز کی؟ جی. فینٹاسٹک، زبردست. تھینک یو. کھڑے رہے، ذرا کھڑے رہے، کھڑے رہے، کھڑے رہے، کھڑے رہے، کھڑے رہے. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے دنیا کو ضرورت ہے اچھے کوڈرز کی. آپ کو کیا کام کرنے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے؟ کوڈنگ. کوڈنگ، یقین تھا مجھے. تھینک یو ویری مچ. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اصل میں دنیا کو ضرورت ہو اچھے کوڈرز کی، لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جس کام میں ہم اچھے ہیں دنیا کو اسی کی ضرورت ہے. سو یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، یہ ہم جیسے جیسے آگے جائیں گے یو ول فائنڈ آؤٹ مور. سو پہلا سوال کیا ہے؟ جب آپ نے سوچنا ہے اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں، واٹ از دا فرسٹ کوسچن؟ What is it that you love? کیا چیز ہے جو آپ کو بہت پسند ہے؟ دوسرا سوال ہے کیا چیز ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے؟ اوکے. اب ہم آتے ہیں تیسرے سوال پہ، اور تیسرا سوال ہے کہ وہ کیا چیز ہے دنیا میں جس سے ہم پیسے کما سکتے ہیں، یا جو ہمیں پیسہ کما کے دے سکتا ہے؟ کیا ایسا کام ہے جس سے میں پیسہ کما سکتی ہوں؟ سارا کیا ہے ایسا؟ سم تھنگ جس میں میرا انٹرسٹ ہو. بیکاز اف دیر آئی ڈونٹ ہیو، ابھی اگر دنیا کو دیکھو کن چیزوں پہ پیسے مل رہے ہیں، ذرا مائک ادھر رائٹ لیفٹ دیں آپ لوگ جن کے ہاتھ میں تھا. کیا ایسی چیزیں ہیں آج کل، اگر آج کی دنیا کو آپ دیکھتے ہیں تو ایسی کیا چیزیں ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یار اس میں، آپ کچھ پروفیشنز کو دیکھتے ہیں نا، اوکے، کچھ پروفیشنز کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس میں بڑا پیسہ ہے یار. وہ جو اما ابا بھی کہتے ہیں نا، یہ پڑھ لو اس میں بڑا پیسہ ہے. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان تک ذرا مائک دیجیے گا. سر کھڑے ہو کے بتائیے گا پلیز. پالیٹکس میں بہت پیسہ ہے. آپ کو لگتا ہے پالیٹکس میں بہت پیسہ؟ آج کل بھی لگ رہا ہے. بالکل، کیوں نہیں، نظریہ بدلا نہیں اب تک؟ نہیں، ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہے. کوئی تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی آپ کے ساتھ میں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. آپ کو لگتا ہے پالیٹکس میں پیسہ ہے. سو پہلا سوال ہے واٹ از اٹ دیٹ یو لو ڈوئنگ، کیا چیز ہے جو مجھے بہت مزہ آتا ہے کرنے میں، کیا چیز ہے جس کو کر کے، یا کیا چیز ہے جس کی دنیا پیسہ دیتی ہے، جس کے لیے، کیا چیز ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے؟ اور آخری سوال آپ کے خیال سے کیا ہوگا؟ کوئی تکا؟ نو تکاز. دی لاسٹ کوسچن از واٹ از اٹ. کس کے پاس مائک ہے؟ ذرا کسی نئے بندے کے ہاتھ میں مائک دیں، اچانک سے پکڑا دیں. یہ تو بول چکے نا، نہیں بولا نہیں، ذرا کھڑے ہو. آخری سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں، آخری سوال یہ ہے، آپ کس چیز میں اچھے ہو؟ واٹ از اٹ دیٹ یو آر گڈ ایٹ؟ سنگنگ. سنگنگ، ذرا گانا تو گا کے سنایا. میں اچھا گانے والا ہوں، آج ٹی وی کے کیمرے آئے ہوئے ہیں، اور کیا بڑا موقع ملے گا. ذرا تالیاں بجائیں. دس مائٹ بی یور چانس مین. چلے بھائی، آنکھیں بند، کوئی نہیں ہے یہاں پہ، امیجن کریں کوئی نہیں. ہاں، آنکھوں کے ساگر، ہونٹوں کے ساگر، آنکھوں کے ساگر، ہونٹوں کے ساگر، لے ڈوبے ہمیں، لے ڈوبے ہمیں، آنکھوں کے ساگر. میں آپ کو چار سوال دیے تھے، ہوپ فلی ان سب کو یاد ہے. ویل ڈو اے کوئک چیک. کنزا، پہلا سوال کیا تھا؟ What is it that you love the most? زندگی میں کیا کام کرنے میں بہت دل لگتا ہے آپ کا؟ What does the world want? دنیا کو کیا چاہیے؟ How you can make money پیسہ کس چیز میں ملے گا؟ اور What can you do for it?
خود کس چیز میں بہت اچھے ہیں, واٹ از اٹ دیٹ یو آر گڈ ایٹ. یہ چار سوال میں نے آپ سے کیوں پوچھے, کیونکہ آپ کو یاد ہے میں نے انٹروڈکشن میں جاپان کے ایک ملک ایک جگہ کی بات کی تھی. ہاؤ مینی آف یو ریمبر اس کا نام؟ اوکینووا. یا سو یہ جو اوکینووا جگہ ہے یہ کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ دیکھا گیا یہاں سے نہ صرف کراٹے نکلا بلکہ ایک اور چیز جو کہ کہا جاتا ہے جاپان میں, جس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ بہت بہترین ہیلدی ہیپی لائف اس لیے گزارتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا یہ پتا ہے. اور یہ کیا ٹرم ہے؟ آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ اٹ, لیٹس سی اف یو گائز کین پروناؤنس اٹ رائٹ. اینی بڈی, واٹ از دس ورڈ؟ یہ کیا کیا ہے؟ اونچا بولے ذرا, با آواز ہو کے بولے. اکی گائی, لیکن جاپان میں اس کو اکی پہ ذرا زیادہ زور دیا جاتا ہے. سو اٹس, کین یو سے اٹ وِد می, اکی گائی. اکی گائی اصل میں دو لفظوں کو جوڑ کے بنا ہے, وچ پرائمرلی سیز یور, اکی اسٹینڈ فار لائف, اکی کا مطلب ہے زندگی, اور گائی کا مطلب گائے, پاکستانی, یہ اردو والا گائے نہیں ہے. اکی کا مطلب, اکی سے مطلب لائف, اور گائے کا مطلب یور ریزن. سو اکی گائے پرائمرلی ٹرانسلیٹ کرتا ہے دا ریزن فار مائی بینگ, میری زندگی کا مقصد. اور یہ دیکھا گیا, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے وہ سنی ہوگی کہانی کہ پریزیڈنٹ اوباما جب ٹوکیو کے مشہور وزٹ پہ گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ کہاں کھانا کھائیں, کیا کھانا کھائیں گے, تو انہوں نے کہا میں سوشی کھاؤں گا. تو وہ ایک, یو نو, ایک پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس کافی دنیا میں کافی جگہ گھومے پھرے ہیں, بہت جگہوں پہ سوشی کھا چکے ہیں. اس ریسٹورینٹ کی کہانی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب انہوں نے وہاں کا سوشی کھایا تو انہوں نے کہا یہ کس نے بنائی ہے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی مزیدار سوشی نہیں کھائی اور میں اس کے شیف سے ملنا چاہتا ہوں. شیف کو جب بلایا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ اپنی عمر کے ادھیڑ حصے میں ہے, جہاں پہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں نا 60s میں جنرلی, بٹ دس شیف واز اباؤٹ 75 اور سم تھنگ. اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم ایسا کیا کمال کرتے ہو کہ ابھی تک اتنے بڑھاپے میں ایک تو اپنا ریسٹورینٹ چلا رہے ہو اور اتنی مزیدار سوشی بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا, کیونکہ ہم یہاں پہ ایکی گائے پہ زندہ ہیں, ہم یہاں پہ اپنی زندگی کا جو ہمارا مقصد ہے اس پہ جیتے ہیں. سو پھر دنیا میں یہ بات پتا چلی اور بڑی کھوج لگانے کی کوشش کی کہ اصل میں یہ ایکی گائے ہوتا کیا ہے. سو دیکھا یہ گیا کہ یہ ایکی گائے انہی چار سوالوں پہ بیسڈ کرتا ہے جو چار سوال میں نے آپ سب سے کیے, آپ سے کیے اور آپ سب سے کیے, لیکن یہ چار سوال کچھ ایک اس طرح کی ڈائیگرام کے فارم میں سامنے آتے ہیں. اوکے, سو اگر ایک جگہ پہ ہے کہ زندگی میں وہ کیا کام ہے جو کہ مجھے کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, وہ کیا چیزیں ہیں جس سے مجھے پیسہ ملے گا, وہ کیا چیز ہے جو کہ اس دنیا میں لوگوں کو ضرورت ہے, اور وہ کیا چیز ہے جس پہ آئی ایم ریئلی گڈ ایٹ. سو ایکی گائے یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے اس مقصد کو دیکھ کے جیتے ہیں وہ دراصل ان چاروں چیزوں کے بارے میں الگ الگ نہیں سوچتے, وہ ان چاروں چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں بیچ میں فال کرتا ہے, سم تھنگ وچ یو آر گڈ ایٹ, سم تھنگ دیٹ یو لو, سم تھنگ دیٹ دا ورلڈ نیڈز, اینڈ سم تھنگ دیٹ کین پے یو منی. جہاں پہ یہ چاروں چیزیں انٹرسیکٹ کرتی ہیں وہ دراصل ہمارا ایکی گائے فال کرتا ہے. عبد السمی سلطان, چلیں آپ مجھے بتائیں, وہی ابھی جیسا آپ گفتگو کر رہے تھے, آپ کو کن تین چیزوں کا, واٹ از اٹ دیٹ یو لو ڈوئنگ؟ فٹ بال. ذرا ایسے بولے جیسے آپ کو ہی شوق ہے, کسی اور کو نہیں. فٹ بال, کوڈنگ. سو ہم جو عبد السمی کہہ رہے ہیں ہم وہ ذرا لکھتے جاتے ہیں, رائٹ. سو فٹ بال کا شوق ہے. تیسرا ہم نے عبد السمیم نے بریک میں بتایا تھا کہ سونے کا شوق ہے, صحیح. سو اٹس اوکے, مجھے بھی, ہم کس کو سونے کا شوق نہیں ہے یار, اٹس سچ اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. عبد السمیم اب ذرا اس میں ادھر آئیں, انہی چیزوں میں مجھے بتائیں کہ پیسہ کس چیز میں ملے گا ان تینوں میں سے؟ کوڈنگ میں, فٹ بالنگ اور فٹ بال میں. زبردست. ان دونوں چیزوں میں, یہ جو کوڈنگ اور فٹ بال بیچ میں رہ گئی ہے, اس میں سے دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ دونوں کی ضرورت ہے, فٹ بال کی ضرورت بھی ہے اور کس کی, کوڈنگ کی ضرورت بھی ہے. اور ان دونوں میں سے آپ کس چیز پہ اچھے ہیں؟ دونوں. سچ بتاؤ, بریک میں تو کچھ اور کہہ رہے تھے. سو آپ کو لگتا ہے کہ فٹ بال میں آپ اچھے ہیں, یعنی کہ انٹرسیکٹ. تھینک یو ویری مچ عبد السمی, کے لیے بہت ساری تالیاں بجائیں. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان سب چیزوں میں سے وہ ایک چیز جو کہ کامن ہے وہ فٹ بال ہے, رائٹ. کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یار نہیں, جس میں میرا دل لگ رہا ہے
एंड समथिंग दैट आई एम गुड एट. वैसे इधर क्या आएगा, आपको क्या लगता है, व्हाट इज इट जिसमें आप बहुत अच्छे हो और आपका दिल लगा, मतलब समथिंग दैट यू लव और जिसमें आप बहुत अच्छे भी हो. Absolutely. So, बहुत दफा ये सवाल आता है कि हम कैसे ढूंढने अपना पैशन. ये जगह बताती है कि ये आपका पैशन है. समथिंग दैट यू रियली गुड एट एंड समथिंग दैट यू लव डूइंग, यानी स्किल भी है, हुनर भी है उस काम को करने का, और काम को करने में मजा आता है, वो आपके पैशन में फॉल करता है. ये क्या होगा जिसमें दिल तो बहुत है और उसके पैसे भी मिल रहे हैं? करियर कुड बी, या देर आर अदर वर्ड्स फॉर इट बट आई जस्ट पुट करियर. यानी दिल बहुत है और पैसे भी मिल रहे हैं, बहुत मजेदार बात हो जाए कि दिल भी लगता है पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन शायद ये वो चीज हो जिसपे दुनिया आपको देख के कैसे काम काज करना नहीं आता क्योंकि स्किल नहीं है. हाँ, यू नॉट वेरी गुड एट इट. बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं ना दुनिया में जो जिनको बहुत मजा आ रहा है. बहुत सारी ऐसी नौकरियां होती हैं जहां जाना इतनी सुकून है, क्यों मजा नहीं आएगा और पैसे भी मिल रहे हैं, पर दुनिया आपको कहती है, आपको खुद भी पता है कि यू नॉट गुड एट इट. वो क्या चीज होगी जिसकी दुनिया को जरूरत है और यू आर गुड एट इट ऑल्सो? कंपैशन. दुनिया को उसकी जरूरत है एंड यू आर गुड एट इट. कंपैशन. कंपैशन यू थिंक. और वो क्या चीज होगी जिसको दुनिया की जरूरत है और उसमें पैसे भी मिल रहे हैं? जिस चीज की दुनिया को जरूरत है और आप उसके ऊपर पैसे भी कमा रहे हैं. एवर हर्ड ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स? क्या करता है एक सोशल एंटरप्रेन्योर? देखता है कि दुनिया को किस चीज की जरूरत है और कहता है कि मुझे इसमें से पैसा भी चाहिए क्योंकि मैं सेल्फ सस्टेनेबल होता हूं. सो अगेन एन एस्पेक्ट ऑफ करियर कुड बी योर प्रोफेशन, यू बीइंग अ सोशल एंटरप्रेन्योर. बट इकिगाई प्राइमरली फोकसेस ऑन कि जहां पे ये चारों चीजें मिल जाएं. ये मुश्किल है या आसान है? आसान है, मुश्किल है. सो लोगों को साल लग जाते हैं इसका जवाब ढूंढने के लिए, लेकिन माय पॉइंट इज कि खोज तो शुरू करें. you know, अगर आज शुरू नहीं करेंगे, ये तो बहुत अच्छी स्टेज है शुरू करने के लिए. हम में से बहुत सारे लोग बहुत बाद में शुरू करते हैं. आप लोगों में से किसी ने उस किताब का सुना है, द रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग? एक किताब एक नर्स ने लिखी जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करती थी. उस किताब का टाइटल था रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, यानी वो लोग जो कि इस दुनिया से जा रहे हैं उनके क्या पछतावे हैं. उन्होंने कहा कि मैंने उन लोगों को देखा जो कि अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े किए, वो भी मेरे पास इंटेंसिव केयर यूनिट में आते थे, और वो भी आते थे जो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं थे. और कोई पांच से आठ साल का वक्फा उन्होंने इन लोगों को देखते हुए गुजारा, उनसे गुफ्तगू करते हुए गुजारा. उन्होंने ये बता, उसकी किताब उनकी ये कहती है कि मैंने ये देखा कि इन लोगों के जाते हुए पछतावे क्या थे. कुड एनीबडी गेस कि इधर से दानियाल व्हाट डू यू थिंक, समबडी डाइंग, कोई अपने डेथ बेड पे अगर कोई रिग्रेट कर रहा है, कोई पछतावा बयान कर रहा है, तो वो क्या होगा? मेबी इट मे बी समथिंग दैट ही वांटेड टू डू बट, और ऐसे क्या काम हो ना थे उसके पास, या उसको वो मौका ना मिला, कोई ऐसा काम करना चाहता था, वो ऐसा काम क्या होगा? Maybe family के साथ bonding. So एक बहुत बड़ा रीजन ये निकला, बहुत बड़ा पछतावा ये बताया गया, काश मैंने अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त बिताया होता. एनी अदर पछतावा यू कैन थिंक ऑफ? Happiness, you cannot find happiness. सब कुछ है बट खुश नहीं है क्योंकि प्रॉबेबली मैं वो नहीं कर सका क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं अपने करियर के अंदर इतना फोकस. एब्सोल्यूटली, इसी से मिलता जुलता पछतावा. एक सबसे बड़ा पछतावा ये था कि काश मैंने अपने दोस्तों और घर वालों के साथ वक्त बिताया होता, और काश मैंने अपनी जिंदगी में वो किया होता जिसमें मेरा दिल था. मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी वो करने के लिए जिसमें मुझे पैसा मिलता था लेकिन जिसमें मेरा दिल नहीं था. सो अगर आप कहते हो कि आपका दिल उस चीज में है, अगर फुटबॉल में दिल अटका हुआ है, फुटबॉल की दुनिया को जरूरत है, फुटबॉल में पैसा भी मिल सकता है, सो जरूर अपनी तालीम हासिल करें, लेकिन डोंट लेट गो ऑफ दैट. आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक दिस एंड सी अगर कोई ऐसी चीज है जो कि बीच में फॉल करती है. ऐसा कोई काम है आप लोगों से, मैं अगर मैं पूछूं, जिसके पास भी माइक है अगर इधर उधर भी देना चाहे, कि कोई एक चीज जो अभी भी आप सोचते हो कि इस उम्र पे जिंदगी के यू स्टिल थिंक अबाउट कि काश मैंने ये परसू किया होता. वो कोई हॉबी हो सकती है, वो कोई इंटरेस्ट हो सकता है, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स से कोई रिलेशनशिप हो सकता है. काश मैंने ये चीज की होती. दोज ऑफ यू ऑन स्टेज, हाँ, डांसिंग, यू थिंक अगर डांसिंग प्रोफेशनली लिया होता, और कुछ? नो, आई डोंट थिंक आई रिग्रेट. कुछ ऐसा रिग्रेट नहीं है अभी तक? नहीं है अब्दुल्ला? नो, आई डोंट. दानियाल नहीं है? एनीबडी एल्स? किसी के पास है? Fantastic. अपनी कामयाबी से ज्यादा अपनी नाकामी बताना मुश्किल है. So hats off to you for raising your hand. Sorry, ये अपना पछतावा जी. मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं रिग्रेट करता हूँ
because I'm a very bad programmer. So, मेरा join hands with me. I am a computer science graduate. किसी angle से लगती हूँ मैं आपको. मैं ये सोचता हूँ कि काश मैं media science pursue करता. काश आप media science pursue करते. I would have been a better. आपका नाम? Saad. Saad. साद ये पछतावे होते हैं लेकिन अगर मैंने कंप्यूटर साइंस ना किया होता तो मुझे मेरे मियाँ ना मिलते. सो मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ कि आपका थैंक यू आपका कंप्यूटर साइंस का सफर किसी और तरीके से बेहतर हो जाए. यू नेवर नो. मैं भी बड़ा रोई थी जब मैंने सुना था कि पता चला था कि यही करना है. बट आई होप आपको कुछ जवाब मिले हो. थैंक यू दानियाल, थैंक यू सारा, थैंक यू अब्दुल्ला एंड थैंक यू किंजा फॉर ज्वाइनिंग अस. यहाँ पे कुछ लोग कुछ कहना चाहते हैं. माई टीम हैज इन्फॉर्म्ड मी. भाई किसी के पास कोई माइक है शायद पहले से. आप कुछ कहना चाहते थे दोबारा से कह दो. यही तो नहीं बताना था. यही कि मैंने जो सीखा है यहाँ पे वो ये सीखा है कि अगर आपने लाइफ में अकॉम्प्लिश करना है तो हमेशा एक ऐसी फील्ड या ऐसा करियर चूज करो कि जिसमें आपको मजा आए. क्योंकि जब आप एक ऐसा काम करोगे जिसमें आपको मजा आ रहा होगा तो वो काम काम नहीं लगेगा. लेकिन पॉज करूंगी मैं. मुझे बताओ अब तो कंप्यूटर साइंस में आ गए, दिल था मीडिया साइंस में या शायद बाद में आके ये अवेयरनेस है, अब क्या कर सकते हैं? अब आई हैव टू गो विद द फ्लो नाउ. सॉरी क्या? आई हैव टू गो विद द फ्लो बिकॉज़ आई डिडंट गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली दैट आई वुड हैव वांटेड. ठीक है. सो हम बाद में भी गपशप लगा सकते हैं. लेकिन एक कॉन्सेप्ट है पार्ट टाइम इकिगाई. पार्ट टाइम ही की गाई ये कहते हैं अगर जिंदगी में देर हो गई है मेरी तरह या आपकी तरह वो समझने के लिए कि ओए मैंने तो ये करना था. इट्स नॉट ओवर. जिंदगी खत्म नहीं हुई. अगर 5-6 बजे तक यूनिवर्सिटी होती है जहाँ कंप्यूटर साइंस का काम करना पड़ता है तो शाम 6 बजे से सुबह 9 तक का अरसा बहुत लंबा है. सो जो पार्ट टाइम ही की गाय है वो कहता है शुरू करो जिसमें दिल है, स्टार्ट इट नाउ. ओके. और ये सोचें कि जो टाइम मेरे पास बच गया है, जो यूनिवर्सिटी के बाद मेरे पास आवर्स हैं, चाहे वो फोटोग्राफी है जिसमें दिल है, जिसके जरिए दुनिया को बहुत कुछ बताना चाहते हैं, या मे बी द पैशन लाइज इन डांसिंग, जो भी है पार्ट टाइम ही की गाय से शुरू करें ताकि वो फुल टाइम पे पहुंच जाए. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच. वो कर रहे हो अभी. तो आप क्या करते हो मीडिया? आई लव वीडियो गेम्स, सो आई एम डेवलपिंग वीडियो गेम्स. एक्सेलेंट. बहुत सारी तालियां भाई इनके लिए. थैंक यू वेरी मच. वी हैड समबडी एल्स जो कि कुछ कहना चाहती थी. यस मैम. डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ. जबरदस्त. और मुझे आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी. तो ये आज मुझे कुछ पढ़ाना तो नहीं चाहती ज्यादातर फैकल्टी नहीं, मैंने आपको बहुत फॉलो किया है पहले ना. शुक्रिया. और उमेर जालिया वाला को भी बहुत सुनती रही हूँ. तो ये है कि जो आप टॉपिक्स बता रही हैं बैक इन 2012 मैंने इसको फॉलो किया है. बहुत ज्यादा पढ़ा भी है और सेशंस भी कराए हैं. कोशिश की है स्टूडेंट्स को, जो स्कूल स्टूडेंट्स को. तो ये है कि मैं ये इस वक्त ये कहना चाहती हूँ ये सिर्फ बातें नहीं है, इट वर्क्स. मुझे इसी से ही जो है वो पता चला था. और जावेद चौधरी का एक और फॉर्मूला है कि आप टाइम कंपास से आउट हो जाते हैं. लाइक एक कंपास आपके अंदर होती है जो आपको बताती है कि ये मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि इतना टाइम गुजर गया. तो ये एक और चीज जो है वो इसमें एड ऑन करना चाह रही हूँ. तो बिल्कुल इट वर्क्स. और मुझे अपना टीचिंग का प्रोफेशन इसी से मिला था, इसी फॉर्मूले से मिला था. एंड आई एम टीचर बाय चॉइस. ओह सुपर. अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू. मैंने कहा थैंक यू आरफा. मैंने कहा था ना आरफा टीचर है, हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाएंगी. थैंक यू फॉर टीचिंग अस दैट. टाइम इन्फ्लुएंस जो है वो इकिगाई का भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. वो कहते हैं कि इतना वक्त हो आपके पास, आपको लगे कि मैं जो भी करना चाहती हूँ इस जिंदगी में कर सकती हूँ. एलिस इन वंडरलैंड, याद है सबको मशहूर कहानी कि एलिस ने बिल्ली से पूछा कि भाई मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, किस रास्ते को इख्तियार किया जाए. सो बिल्ली ने कहा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं? तो एलिस ने जवाब दिया ये तो नहीं पता, लेकिन ये बता दो कौन सा रास्ता इख्तियार करूं. सो अकलमंद बिल्ली ने जवाब दिया फिर फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कहां भी चले जाएं. हम में से बहुत सारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन मौजें लेके जा रही हैं, लहरें लेके जा रहे हैं. वी आर गोइंग विद द फ्लो. इन अदर वर्ड्स बुराई नहीं है लेकिन इट्स नॉट अ डेस्टिनी दैट यू राइट फॉर योरसेल्फ. हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी देखने वाले हैं और यहाँ पे, हम सब अपनी किताबें खुद लिखें, हम सब अपनी किताबों कहानियाँ खुद लिखें, हम सब अपनी कहानियों के ऑथर्स खुद बने और वो कहानियाँ बेस्ट सेलर्स हों. और मुझे लगता है इकिगाई पे जिंदगी गुजारने से बेस्ट सेलर होने का चांस जरा ज्यादा है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो. थैंक यू वेरी मच DHA सूफा यूनिवर्सिटी. जरा जाते जाते दुनिया को बताएं अपनी तालियों में कि आपके अंदर कितना दम भरा है. जरा तालियों में बताएं.